प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार ये सेशन स्टार्ट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का है, एएम सेट है प्रिय विद्यार्थियों, और ये समाजशास्त्र का है। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र के पेपर को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और डीजे सर चैनल जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 8 पर मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोग का होता है इस पर, और उसके साथ ही साथ जो है कॉमर्स साइड के कुछ बच्चे उनके लिए होता है देखिए, लेकिन जो साइंस साइड के बच्चों के लिए नया चैनल आप लोगों का क्रिएट किया गया है टीजे सर मैथ, तो आप उस पर जो भी साइंस साइड के फ्रेंड उनको सर इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, डीजे सर मैथ के बारे में, और आप लोग तो इस पर जुड़े हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से अगर हो जाएगा तो राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? विकल्प नंबर अ दिया गया साम्राज्य संप्रदायवाद, बी दिया गया उपनिवेशवाद, स दिया गया जातिवाद, द दिया गया प्रजातिवादी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ब जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी उपनिवेशवाद के वजह से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, समाज क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, अ एवं ब दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाज जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो अमूर्त होता है। क्या होता है? कैसा चिंतन के रूप में होता है? ये अमूर्त चिंतन के रूप में होता है। जाति का संबंध किससे है? जन्म से, कर्म से, वर्ग से, परिस्थिति से। तो देखिए जाति का जो संबंध है वो जन्म से। तीसरे का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बाजार क्या होता है? देखिए बाजार जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो जहां पर क्रेता और विक्रेता होते हैं मुख्य रूप से, तो बाजार क्या है? एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है, एक समूह है। तो देखिए बाजार के बारे में हम लोग बात करें तो बाजार जो होता है वो एक संस्था के रूप में होता है। तो चौथे का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कब नियुक्त किया गया था? तो सन 1949 में, सन 1953 में, सन 1956 में, सन 1963 में। तो देखिए भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थापना किया गया था वो हुआ था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए यहाँ पर सन 1953 जो होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, वो देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? एम एन श्रीनिवास, एस की एस सी दुबे, आंद्रे बेतई, राधा कमल मुखर्जी। तो देखिए जो संस्कृतिकरण की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एम एन श्रीनिवास। नाम था क्या? था एम एन श्रीनिवास। ठीक है ना, ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी छठवें का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर साक्षात्कार पद्धति का जो उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष संपर्क भी होता है इसमें, और पूर्ण जानकारी भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और व्यक्तिगत सूचनाएं भी प्राप्त करता है। तो संपूर्ण सभी जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का वो सातवें का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए बात हो रही है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था को देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आया हुआ था राजस्थान के गांव में। ठीक है, और ये आया हुआ था सन 1959 में। तो यानी यहाँ पर जो होगा आठवें प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 1959। यानी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1959 वर्ष में हुई थी। ठीक है, नौवें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, और यहाँ पर जो होता है तीसरा जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय। तो सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य जो होता है विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक असमानता जो होता है इससे हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं। दसवें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार या जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अब्राहम लिंकन जी। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन जी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोकतंत्र का देखिए जबरदस्त डिफिनेशन है ये। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए तो समुदाय क्या है, भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, साप्ताहिक बाजार क्या होता है, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, पैंडेमिक से क्या आशय है, ये प्रश्न है आप लोग का। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए,
औद्योगिकरण की तीन विशेषताएं बताना है। देखिए डिस्टेंस, ये 19वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। 20वां जो है वस्तुईकरण या परस्परीकरण को समझाइए, ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। ये आप लोगों के अति लघु है। इन प्रश्नों मैक्सिमम प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी करा रखा है आप लोगों को। डीजीएस चैनल पर जाएंगे तो आपको समाज शास्त्र का इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट वाले भाग में जाके देखिए समाज शास्त्र का प्लेलिस्ट, लगभग उसमें 50-60 वीडियो जो बनाया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक है सब। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए। सर्वेक्षण विधि क्या है, सामाजिक शोध में इसके महत्व को की विवेचना कीजिए। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि कारणों का जो है उल्लेख करना है, ये प्रश्न है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को समझाना है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। जब यहाँ से प्रश्न निर्वेशन लघुत्तरी समाप्त होता है आप लोग का, तो आप पहुंचते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला है, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा जन्म दर और मृत्यु दर का क्या अर्थ होता है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो होता है डिफरेंस, वो क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या दोनों का अर्थ होता है। जन्म दर में गिरावट और अपेक्षा के धीमी गति से क्यों होती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है, कारण सहित स्पष्ट देना है। जन्म दर और मृत्यु दर पर जो मैंने डिफरेंस अपना विस्तृत व्याख्या में रखा है, और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप लोग का रहेगा, पूछा जाता है बाबा प्रश्न में आप लोग का, ठीक है ना। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज में इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिकीकरण देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंस इसका नॉलेज इसलिए जरूरी क्योंकि आप आधुनिकता के जीवन में जी रहे हैं लोग, तो जो भी समुदाय है, जो भी पब्लिक है, जनता है, वो जानती रहे कि नहीं यहाँ जो सार्वजनिक मतलब उसके लिए क्या चीजें बनाई गई है, जो क्या है, कैसे किस प्रकार से। तो प्रिय विद्यार्थी, ये रहा आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ये महत्वपूर्ण सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपके प्रिय मित्र हैं जो की साइंस साइड से पढ़ते हैं, उनसे उन्हें जो है डिस्टेंस डीजे सर मैथ वाले चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर जो है डिस्टेंस वो साइंस साइड के बच्चों का भी उद्धार कर दे, और आर्ट साइड के बच्चों के लिए तो ये चैनल जो है वो तो है। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए और स्टडी करते रहिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।